ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कोकण पदवीधर मतदारसंघातील काँग्रेस पक्षाचे व महाविकास आघाडीचे उमेदवार रमेश कीर यांचा प्रचार राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, आप यांनी चालू केलाय। लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांना समर्थन देणाऱ्या कलानी कुटुंबियांनी यंदा काँग्रेसच्या उमेदवाराला समर्थन दिलं असल्याची घोषणा संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे। यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे, माजी गटनेत्या अंजली साळवे, माजी महापौर मालती करोतिया, किशोर धडके, नानिक अहुजा, शिवसेना पदाधिकारी राजेंद्र शाहू, दिलीप मिश्रा, टीओकेचे पदाधिकारी मनोज लासी, संतोष पांडे, अजित मखीजानी, होशियार सिंग लबाना, शोभा जाधव, नरेश साळवे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते। सभी पत्रकारों को मैं कांग्रेस पार्टी की उल्लासनगर कांग्रेस की तरफ से आप लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज जो यहाँ पे आपको बुलाया है सभी पत्रकार भाइयों को, तो उसका प्रमुख जो हेतु था, जो हमको आपके थ्रू माध्यम से जनता तक जो बात पहुँचानी है, उसमें ऐसा है कि जैसे आपको मालूम है कि कोकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस लगे और आने वाले 26 तारीख को उस इलेक्शन के इलेक्शन है और उसका प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जॉइंटली जो हमारे कैंडिडेट के तौर पे ये जो सीट है, ये हमारे कांग्रेस के जो पदाधिकारी है रत्नागिरी के रमेश कीर साहब, उनको ये कैंडिडेचर महाविकास आघाड़ी की तरफ से दिया गया है। और उसके प्रचार के लिए कल वो उल्लासनगर आए थे। उल्लासनगर में महाविकास आघाड़ी के सभी घटक पक्ष, उसमें हमारे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट के पदाधिकारी रहेंगे, आम आदमी पार्टी रहेंगे, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गट के पदाधिकारी, ये सभी का कल हमारा टाउन हॉल में एक बैठक हुई। और उस बैठक में किस तरह से इस इलेक्शन में काम करना है, उसमें आप पत्रकार भाई भी थे, और उसमें इस सारी विषयों पर चर्चा हुई कि आने वाले इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी के तौर पर ये सीट हमें जीता के लानी है। और कोकण में पहली बार कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा है और पिछले 12 साल से यहाँ पे जो भाजपा के उम्मीदवार खड़े मतलब चुनके आए हैं, उनका किस तरह से इस पूरे मतदार संघ में जो काम किया नहीं है, कि इन्होंने 12 साल में उनको देखा नहीं है, इस प्रकार से सारी बातें। और हमारे जो उम्मीदवार है जिनका जो बैकग्राउंड है वो 40 साल से पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है, उसके अलावा हर क्षेत्र में उनका काम है, फिर वो एजुकेशन फील्ड रहेगा, सहकार क्षेत्र रहेगा, या राजकीय माड़ा के चेयरमैन रह चुके, ऐसे बहुत अनुभवी उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने दिया है एक पर्याय। और उसके लिए पूरे जोर से महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारी साथ में आए हुए। इसी बैठक के बाद में उल्लासनगर में जिस तरह से जो रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है, इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और वो रजिस्ट्रेशन जो चल रहा था उसमें सारी पार्टियों ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन किए हुए, लेकिन इसी के साथ में हमारे कैंडिडेट का जो है उल्लासनगर में जिनकी बहुत बड़ी अपनी ताकत है, ऐसे हमारे जो कलानी फैमिली है, तो कलानी फैमिली की भी हमको सपोर्ट के लिए हमारे जो कल हमारे साथ में पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो माजी राज्यसभा खासदार रह चुके हैं हुसैन दलवाई साहब, वो भी इस मीटिंग में आए थे। और उम्मीदवार भी साथ में ये तय हुआ था कि पप्पू कलानी साहब जी रहेंगे, ओमी कलानी जी रहेंगे, इनसे मुलाकात करके एज अ कैंडिडेट, क्योंकि हम लोग आज इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमको उनका समर्थन चाहिए, इसके लिए हम लोग उनसे मिलने के लिए कल कलानी माल गए थे। उम्मीदवार बहुत डिले होने के वजह से उम्मीदवार नहीं आते हुए भी, लेकिन दलवाई साहब जो हमारे माजी खासदार है और कांग्रेस का शिष्टमंडल, ये सारे जन कल पप्पू कलानी साहब से मुलाकात हुई, ओमी कलानी साहब से मुलाकात हुई, हमने हमारा जो विषय उनके सामने रखा कि ऐसा ऐसा है, कैंडिडेचर है, और उल्लासनगर में इस कैंडिडेट के जो 4,979 वोट्स है, इसमें ये पूरी मेजॉरिटी हमारे पास आने के लिए आपका समर्थन हमें चाहिए, इसके लिए हम लोग वहाँ गए थे। और उसी संदर्भ में अभी आज आप सबको बुलाया है, उस संदर्भ में हमारी चर्चा हुई, हमारे नेताओं ने फिर जितेंद्र आवाड़ साहब से भी उस पर फोन पे बात हुई, और उस संदर्भ में अभी आगे की जो कलानी फैमिली या कलानी है रहे, टीओके रहे, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गट रहे, उस हिसाब से उनके बारे में जो है
उनके यहाँ पे वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए, प्रवक्ता आए हुए, पदाधिकारी आए हुए, वो आपके इस बारे में खुलासा करेंगे। इसी के लिए आज आप सबको यहाँ पे बुलाया है। आए हुए सभी पत्रकार, उल्लासनगर के कांग्रेस आए के नेहरू भवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष टीम ओमिकालन व इतर पक्ष की तरफ से ये पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। जैसे हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उल्लासनगर के रोहित सालवे जी ने बताया कि कल पूर्व राज्यसभा के सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय हुसैन दलवाई जी व रोहित सालवे जी और उनके साथी कालानी में लाए थे, जो कोकण पदवीधर का चुनाव घोषणा हुई है 26 तारीख को जो चुनाव, उस विषय में टीम ओमी कालानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र घट का पाठिंबा लेने के लिए दलवाई साहब कालानी में आए थे। उनकी चर्चा के बाद, सकारात्मक चर्चा के बाद, आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के ठाणे के समन्वयक कोऑर्डिनेटर आमदार जितेंद्र अवार्ड जी का ओमी कालानी जी को फोन आया था। ओमी कालानी जी ने उन्हें बताया कि दलवाई साहब से ऐसे बात हुई है और उन्होंने रमेश कीर जी के लिए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके लिए पाठिंबा मांगा है। तो अवार्ड साहब ने महा विकास आघाड़ी के घटक होने के नाते ओमी कालानी जी को रमेश श्रीधर कीर जी, रमेश कीर जो हैं, उन्हें पाठिंबा देने के लिए, घोषणा करने के लिए कहा है। उसी विषय में मैं पार्टी का प्रवक्ता, हमारे वरिष्ठ महासचिव आनंद शिंदे, हमारे दूसरे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष पांडे, हमारे टीम ओमी कालानी के अजीत माकीजानी कोऑर्डिनेटर और हमारे महासचिव होशियार सिंह लवाना, हम साथी सब यहाँ आए हैं। हम आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को, उल्लासनगर वासियों को ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गट की जिला अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी जी और टीम ओमी कालानी के हमारे प्रमुख ओमी कालानी जी, हम महाविकास आघाड़ी के घटक दल हैं। शरद चंद्र जी पवार साहब में कालानी परिवार के संबंध, गहरे संबंध है। उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर में और इतर जगहों के ऊपर कार्य कर रही है। उसी संदर्भ में, उन्हीं बातों को ध्यान पर रखते हुए, आज टीम ओमी कालानी व राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गट उल्लासनगर की जिला अध्यक्ष पंचम ओमी कालानी, हमारे जो महाविकास आघाड़ी के रमेश श्रीधर कीर जो उम्मीदवार हैं, उनको पाठिंबा हम घोषित करते हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के बता दूं, टीम ओमी कालानी ने पिछले 4 महीने से, लोकसभा चुनाव से पहले ये नोंदरी स्टार्ट हुई थी, नवीन नोंदरी। उसमें हमारे आनंद शिंदे जी, होशियार सिंह जी, संतोष पांडे जी और अजीत माकीजानी, ये 4 लोगों के ऊपर जवाबदारी दी गई थी। पूरे शहर भर में, मतलब उल्लासनगर 1 से 5 व मारल वरब कांबा, उनसे नवीन नोंदरी, जो कोकण ग्रेजुएट की इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए नोंदरी की थी। आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं, करीब 900 वोट टीम ओमी कालानी की तरफ से पुटअप करवाए गए थे, जिसमें से करीब 776 वोट नए आ चुके हैं, जिनकी यादि हमारे पास है। हमारे कौन से नगर सेवकों ने वोट डलवाए थे, कौन से हमारे पदाधिकारियों ने वोट डलवाए थे, हमारे कौन से जो हमारी व्यापारी एसोसिएशन है, UTA हो या फोरम हो, उन्होंने वोट डलवाए थे, वो पूरा डाटा हमारे पास है। तो जो नए वोट है, 750-850 तक नए वोट ग्रेजुएट के हमने डलवाए थे, वो आ चुके हैं, उनकी डाटा हमारे पास है। और इसके अलावा पूर्व में जब निरंजन दावकरे जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, तब हमारे नेता वसंत दावकरे जी कालानी महल पर, कालानी महल से ही पूरा कारोबार चलता था उन दिनों में,
भूमिका रानी जी और हम सब ने मिलकर उस वक्त जब निरंजन जी पहली बार इस पदवीधर के लिए कोंकण पदवीधर के लिए खड़े थे, तो उस वक्त भूमिका रानी जी हम सब ने, हमारी पूर्व आमदार ज्योति कालानी जी भी तब साथ में थी, मिलकर उल्लासनगर से उनको 1150 की लीड दिलवाई थी। उसके बाद जब दूसरी बार वो खड़े हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे, उस वक्त टीम भूमिका रानी और भारतीय जनता पार्टी का एक समझौता था महानगर पालिका में, उसके तहत हमारे डोंबिवली के आमदार रविंद्र चौहान जी के आग्रह पर दूसरी बार 6 वर्ष पहले उनको मदद की थी। तब उल्लासनगर से 1650 की लीड निरंजन दावखरे जी को उल्लासनगर से हमने दिलवाई थी। आज रमेश कीर जी को टीम भूमिका रानी और राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार गठ हम पाठिंबा यहाँ घोषित करते हैं, और आपके माध्यम से जो हमारे कांग्रेस के उल्लासनगर के अध्यक्ष है रोहित सालवे जी और बाकी जो कांग्रेस के साथी है, तो टीम भूमिका रानी की तरफ से, राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार गठ की तरफ से और कालानी परिवार की तरफ से उल्लासनगर में जो 4500 वोट है उसमें से अधिक 65% वोट हम रमेश कीर जी को दिलाने की हमने प्लानिंग की है। आगे अब आज के बाद समन्वय बढ़ेगा, हम उन वोटरों तक पहुंचने की पूरी रणनीति बनाएंगे मिलकर, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ, कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस, शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी, टीम भूमिका रानी और बाकी जो हमारे आप पार्टी या बाकी जो हमारे गट है, हम सब मिलकर समन्वय बनाकर 4500 वोटों तक पहुंचेंगे। और ये वोट जो है शिक्षित वोट है, पढ़े लिखे वोट है, उन्हें आज के देश महाराष्ट्र थाने कोंकण की राजनीति के हालात की जानकारी है, तो हमें पूरी उम्मीद है हम सब मिलकर एक राष्ट्र में हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, माननीय शरदचंद पवार साहब और कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले साहब में जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन हुआ और लोकसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी ने काफ़ी अच्छा महायुति के सामने अच्छी लड़ाई लड़ी और हमें भारी सफलता भी मिली। उसके बाद ही कल हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब, माननीय शरदचंद पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान साहब की एक महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई। उस बैठक में भी हमारे विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं, और इसी बीच पदवीधर कोंकण पदवीधर मतदार संघ का चुनाव भी आगामी 26 तारीख को है और 1 जुलाई को रिजल्ट है। तो हमारे पक्ष प्रमुख साहब ने भी हमारे उल्लासनगर कल्याण जिला प्रमुख आदरणीय धनंजय बोडारे साहब को आदेश दिया है कि महाविकास आघाड़ी का धर्म निभाते हुए इसमें इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार रमेश कीर जी को ज़्यादा से ज़्यादा उल्लासनगर से ग्रेजुएट मतदाताओं का वोट मिले। इसके लिए आज हम लोग कांग्रेस भवन में बैठे हुए और महाविकास आघाड़ी के हमारे लासी जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित सालवे जी, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के उप जिला प्रमुख राजेंद्र साहू जी हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे उम्मीदवार रमेश कीर जी भारी बहुमत से विजयी हों। उन्होंने इस क्षेत्र में क्या काम किया इसके बारे में आप बताना चाहेंगे, उनसे कुछ गारंटी ली थी? देखिए, मैंने बताया पिछले 5 साल थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उसके बाद जो 5 वर्ष थे टीम भूमिका रानी और भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर महानगर पालिका में गठबंधन था, हमें रविंद्र चौहान जी ने आग्रह किया था कि उन्हें मदद कीजिए, तो वो हिसाब से हमने मदद की थी। दूसरा आपका सवाल था कि 10 साल उन्होंने काम किया, तो मैं आज आप पत्रकारों के सामने बोलता हूँ 0 काम किया है उन्होंने 5-10 सालों में, 0/0 काम किया है। यहाँ तक कि हमारे जो नगर सेवक उनको जो मदद करते किए थे उनसे उन्होंने नगर सेवक निधि, उनकी विधायक निधि देने का वादा किया था, पर बहुत बार चक्कर लगाने के बाद हमारे नगर सेवक सब नाराज हुए, नाराज होने मिली, कोई फंड नहीं मिला। उल्टा मैं यहाँ पे जाहिर करना चाहता हूँ कि 20-25% कमीशन लेकर उन्होंने अपना 10 साल का फंड बेचा है, और उल्लासनगर शहर में बहुत सारे ऐसे काम हैं
जो तीन तीन बार चार चार बार हो गए थे उनमें निरंजन दापरे जी ने अपना फंड दिया है। 20% 25% पैसा लेकर उन्होंने फंड अपना बेचा है। 10 साल में उन्होंने विकास का कोई फंड नहीं दिया। ग्रेजुएट लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए कोई काम नहीं किया। बिल्कुल आपको पुरावे इनके देंगे जैसे ही महानगर पालिका में प्रशासकीय राज खत्म होगा। जिस प्रकार से पीडब्ल्यू में उनके तरफ दसर उल्लासनगर और कल्याण अम्बरनाथ बाकी जगहों पर जो जो उनकी निधियां आई है वो एक ठहरावे ठेकेदारों को निधियां देते थे। वो उनके जो संबंध वाले ठेकेदार थे, उनके जो रिश्ते के ठेकेदार थे, उनके वो फंड मिलता था और वो फंड हम बोलते थे ये हमारे क्षेत्र में फंड आया है आप काम करो, तो बोलते थे ये तो काम पहले ही किया हुआ है। जैसे गार्डन का हुआ, नाली गटर का हुआ, बड़े बड़े जो मैं अपने प्रभाग की बात करूं, न्यूड़ा स्कूल, सेवा सदन, आरकेटी कॉलेज, बड़े बड़े विद्यालय आते हैं उनके सड़क के लिए मैंने उनसे फंड मांगे थे 2017-18 में, पर उन्होंने सिर्फ बातें की, फंड दिया नहीं। फंड आया कब, जब वो सड़क बन गई जनरल निधि से, महापालिका निधि से, आमदार निधि से, उसके बाद वहां फंड आया और फंड वो कहां गया, कहां भंडाधार हो गया, कहां बंदर पाट हो गई, वो आप सब लोगों को मालूम है। अभी आपने बताया कि हुसैन दरबार जी कल कलानी मंच पे आए थे और उन्होंने जीरो के तौर राष्ट्रवादी एसपीगर से बात की और उसके बाद आपने ये खत्म करने का निर्णय किया। आप अभी भी आपको खुद को मानते नहीं कि आप महाविकास आगामी का मांगेंगे, कोई बड़ा नेता आएगा और आपसे बात करेगा तभी आप पार्टी बनेंगे? देखिए, एक गठबंधन की राजनीति में एक मान सम्मान एक होता है कि अगर मेरा कोई उम्मीदवार मेरे पक्ष को मां विकास आघाड़ी की तरफ से टिकट जाती है तो मर्यादा होती है कि बाकी जो मित्र पक्ष है उनके पास जाना, पाठिंबा लेना। उसी मर्यादा के तहत कल हमारे वरिष्ठ नेता हुसैन दरवाई जी और हमारे उल्लासनगर के रोहित सालवे जी कालानी में आए थे, क्योंकि जो रमेश किंग जी है वो कांग्रेस के हैं, तो उसी प्रकार से वो वहां पर मर्यादा की तरह आए थे और उन्होंने पाठिंबा हमसे मांगा। हमने अपने वरिष्ठों से इस बात पर चर्चा की। जितेंद्र अवार्ड जी जो हमारे ठाणे के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दिया और आज हम यहाँ बैठकर रमेश किंग जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, उनको हम पीओके और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार उल्लासनगर का पाठिंबा घोषित कर रहे हैं। जब लोकसभा की बात हुई थी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार कालानी मेल पर आए थे तो वो जो बातें हुई थी वो हमने पवार साहब से आज के उल्लासनगर की परिस्थिति हमने सामने रखी थी और हमने वादा किया था कि एक दोस्ती के नाते, ओमिका रानी जी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की दोस्ती है और दोस्ती के नाते एक दोस्त ने दोस्त से वादा किया है, वो वादे के तहत हम उन्हें मदद करेंगे, उनके साथ रहेंगे। पर महाविकास आघाड़ी के घटक दल के होने के नाते हमने भिवंडी में खुल्ला सुरेश मात्रे और माल्या मामा को समर्थन किया था और वो जॉइंट किलर बनकर एक केंद्रीय मंत्री को हराने में वो कामयाब गए, तो कहीं ना कहीं वहां पर कालानी परिवार, टीम ओमी कालानी, हमारा भी कोई वाटा है। कल्याण हो, भिवंडी हो, बदलापुर क्षेत्र हो या बेल बाजार क्षेत्र हो या कल्याण खड़कपाड़ा, एक 27,500 सिंधी वोट जो यहाँ से स्थलांतर हुए हैं जो बाल्या मामा के क्षेत्र में आते थे, तो आप आज इंक्वायरी करेंगे तो जितने भी सिंधी वोट वहां पड़े हैं 70-75% सिंधी वोट बाल्या मामा को पड़े हैं, तब जाके उन्हें ये बड़ी कामयाबी मिली है। इस प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे सभी जो पीओके और राष्ट्रवादी सरकार तरफ से जो आए, हमारे मनोज लासी जी रहेंगे, हमारे शिंदे जी है, आदित्य माफी जी है, संतोष पांडे जी है, होशियार सिंह लवाना जी है, मैडम ज्योति ताई है, रवि सुबह ताई है, नरेश गायकवाड़ और शिवसेना की तरफ से नीलेश देशमुख है, शिवसेना के हमारे वरिष्ठ शाहू जी आया है, दिलीप मिश्रा जी है, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और खास करके जो हम लोग की, क्योंकि हमारा उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा है, उनको हमें जिताना है, इसी उद्देश्य से कल से हमारे जो मेहनत थी और टीओके ने और मैं विशेष करके पप्पू कालानी साहब का और ओमी कालानी जी, पंचम कालानी जी,
सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक पूरी तरह से वो तैयारी पे पहले से लग चुके हैं और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस सीट के लिए पूरा समर्थन तो उन्होंने अभी जाहिर आपके सामने बोला ही है। तो हमारी जो ऑलरेडी जो चल रही जो चालू थी वर्किंग उसमें और भर आ गया है और ये सीट उल्लासनगर से मैक्सिमम लीड से इस सीट पे हम लोग लड़ेंगे, यह भी हमें विश्वास हो चुका है। आप सभी का इधर आए इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।